व्हाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आज बात करेंगे देश प्रेम से ओतप्रोत भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाने वाले कवि प्रदीप की। काव्य शिल्पी कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश में उज्जैन के बड़नगर कस्बे में हुआ था। वर्ष 1939 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद कवि प्रदीप ने शिक्षक बनने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान उन्हें मुंबई में हो रहे एक कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। कवि सम्मेलन में उनके गीतों को सुनकर बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय काफी प्रभावित हुए और उनसे फिल्म कंगन के गीत लिखने की पेशकश की। इस तरह कवि प्रदीप फिल्म जगत से जुड़ गए। 1939 में प्रदर्शित फिल्म कंगन में अशोक कुमार और देविका रानी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने 4 गीत लिखे, जिनमें से कवि प्रदीप ने 3 गीतों को अपना स्वर भी दिया। फिल्म में गीतों की कामयाबी के बाद वो बतौर गीतकार फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए और हिंदी फिल्म जगत को गीतकार और गायक के रूप में एक नई प्रतिभा मिली। वर्ष 1943 में बॉम्बे टॉकीज की 5 फिल्मों अनजान, किस्मत, झूला, नया संसार और पुनर्मिलन के लिए भी कवि प्रदीप ने गीत लिखे, जो काफी मशहूर हुए। प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। एक बार हिमांशु राय ने कहा कि ये रेलगाड़ी जैसा लंबा नाम ठीक नहीं है, तभी से उन्होंने अपना नाम प्रदीप रख लिया। प्रदीप नाम के पीछे उनके जीवन का एक रोचक प्रसंग भी है। उन दिनों अभिनेता प्रदीप कुमार का भी काफी नाम हो रहा था, जिस कारण अक्सर गलती से डाकिया कवि प्रदीप की चिट्ठी अभिनेता प्रदीप के पते पर डाल दिया करता था। डाकिया सही पते पर पत्र डाले, इस वजह से उन्होंने प्रदीप के पहले कवि शब्द जोड़ दिया और तभी से वो कवि प्रदीप के नाम से जाने जाने लगे। कवि प्रदीप गांधी जी की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। वो परस्पर प्रेम और भाईचारे पर काफी जोर देते थे। उनका मानना था कि यदि आपस में हम लोगों में ईर्ष्या द्वेष न होता तो हम गुलाम न होते। वर्ष 1940 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था। देश को स्वाधीन कराने के लिए छिड़ी मुहिम में कवि प्रदीप भी शामिल हो गए और इसके लिए उन्होंने अपनी कविताओं का सहारा लिया। अपनी कविताओं के माध्यम से कवि प्रदीप देशवासियों में जागृति पैदा किया करते थे। 1940 में ही बंधन फिल्म के लिए उन्होंने एक गीत लिखा, चल चल रे नौजवान। इस गीत ने आजादी के दीवानों में एक नया जोश भरने का काम किया। फिल्म में इस गीत के कई वर्जन थे, जिसे अशोक कुमार, सुरेश और लीला चिटनिस ने गाया था। संगीतकार थे रामचंद्र पाल। उस समय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हर प्रभात फेरी में इस देशभक्ति के गीत को गाया जाता था। इस गीत ने भारतीय जनमानस पर जादू सा प्रभाव डाला था। यह राष्ट्रीय गीत बन गया। सिंध और पंजाब की विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दे दी और ये गीत विधानसभा में भी गाया जाने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किशोरावस्था में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वानर सेना बनाई थी। प्रभात फेरियों में चल चल रे नौजवान गीत गाकर वो अपनी वानर सेना की परेड कराया करती थी। ये गीत 1946 के नासिक विद्रोह के समय सैनिकों का अभियान गीत भी बन गया था। फिल्म बंधन में ही उनका लिखा एक और हल्का फुल्का गीत था, चना जोर गरम बापू मैलाया मजेदार चना जोर गरम, जिसका संगीत फिल्म जगत की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी ने तैयार किया था। इसे गाया था अरुण कुमार ने। ये गीत फेरी वालों की जुबान पर चढ़कर गली गली में गूंजने लगा था। 40 के दशक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत में प्रदीप के लिखे गीत आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। इस गीत ने जहां एक ओर स्वाधीनता सेनानियों को झकझोरा, वहीं
अंग्रेजों की तिरछी नजर के भी शिकार हुए कवि प्रदीप। फिल्म में ये गीत अमीर भाई कर्नाटकी और खान मस्ताना ने गाया था। संगीतकार थे अनिल विश्वास। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप का ये गीत एक तरह से अंग्रेजी सरकार पर सीधा प्रहार था। कवि प्रदीप के क्रांतिकारी विचारों को देखकर अंग्रेजी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी निकाला। गिरफ्तारी से बचने के लिए कवि प्रदीप को कुछ दिनों के लिए भूमिगत रहना पड़ा। ये गीत इस कदर लोकप्रिय हुआ कि सिनेमा हॉल में दर्शक इसे बार बार सुनने की ख्वाहिश करते थे और फिल्म की समाप्ति पर दर्शकों की मांग पर इस गीत को सिनेमा हॉल में दोबारा सुनाया जाने लगा। इसके साथ ही फिल्म किस्मत ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने कोलकाता के एक सिनेमा हॉल में लगभग 4 साल तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। अपने गीतों को प्रदीप ने गुलामी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उनके गीतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष को एक नई दिशा दी। 1940 में हिमांशु राय के निधन के बाद बॉम्बे टॉकीज पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। देविका रानी ने अपने स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के संचालन के लिए जी जान लड़ा दिया, परंतु 1943 में राय बहादुर चुन्नीलाल के साथ शशधर मुखर्जी, ज्ञान मुखर्जी, अशोक कुमार इन चारों ने बॉम्बे टॉकीज से संबंध समाप्त करके फिल्मिस्तान नामक नया स्टूडियो बना लिया। अपने विश्वसनीय लोगों के बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ लेने की वजह से देविका रानी असहाय हो गईं। आखिरकार देविका रानी ने फिल्म जगत को अलविदा कहते हुए रूसी चित्रकार से शादी कर ली और 1945 में बॉम्बे टॉकीज को बेच दिया और बेंगलोर में जाकर बस गईं। कवि प्रदीप भी बॉम्बे टॉकीज से अलग होकर फिल्मिस्तान से जुड़ गए। फिल्मिस्तान की पहली फिल्म चल चल रे नौजवान 1944 में रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए प्रदीप ने 12 गीत लिखे थे। जितनी आशा थी उतनी फिल्म न चल सकी और न ही इसके गाने ही कामयाब हुए। फिल्म के असफल होने पर कवि प्रदीप को अलग थलग सा कर दिया गया और उनसे गाने लिखवाने बंद कर दिए गए। कवि प्रदीप फिल्मिस्तान से हुए कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे। वेतन मिल रहा था किंतु काम नहीं। प्रदीप के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कलम कुंठित हो जाए, इसलिए उन्होंने मिस कमल बीए और दूसरे नामों से बाहर की फिल्मों के लिए गीत लिखे। ये फिल्में थीं लक्ष्मी प्रोडक्शंस की कादंबरी 1944, सती तोरल 1947, वीरांगना 1947 की फिल्म और मुरली मूवीटोन की फिल्म आम्रपाली जो 1945 में रिलीज हुई थी। इस बीच फिल्मिस्तान के लिए कवि प्रदीप ने 1946 में शिकारी फिल्म के लिए गीत तो लिखे, लेकिन वो फिल्मिस्तान से अब बंध कर रहना नहीं चाहते थे। 1949 में उन्होंने ज्ञान मुखर्जी और आमिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर लोकमान्य प्रोडक्शंस नामक फिल्म निर्माण कंपनी बनाई। 1949 में पहली फिल्म आई गर्ल्स स्कूल। फिल्म का निर्देशन अमीर चक्रवर्ती ने किया। फिल्म में कवि प्रदीप के 9 गाने थे। फिल्म के 5 गाने सी रामचंद्र ने और 4 गाने अनिल विश्वास ने संगीतबद्ध किए थे। ये पहली बार था जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप के शब्दों को आवाज दी और साथ ही पहली बार सी रामचंद्र ने उन्हें संगीतबद्ध किया था। लेकिन फिल्म चल नहीं सकी और कवि प्रदीप का बहुत सारा पैसा भी डूब गया। वो समझ गए कि फिल्म कंपनी चलाना उनके बस की बात नहीं है। वे लोकमान्य प्रोडक्शन से अलग हो गए और स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इस बीच बॉम्बे टॉकीज ने अपनी फिल्म मशाल के लिए उनसे 7 गाने लिखवाए। इस परिवर्तन का कारण ये था कि बॉम्बे टॉकीज का काम सावक चाचा के साथ अशोक कुमार देख रहे थे, जो कवि प्रदीप से
पहले से ही काफी प्रभावित थे। 1950 की फिल्म मशाल के लिए सचिन देव बर्मन ने धुनें बनाई और गीत चल निकले। प्रकृति की महानता को उजागर करने वाले इस फिल्म के गीत ने पूरे भारत में ख्याति अर्जित की। मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत था, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में है धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। फिल्मिस्तान कंपनी के शशधर मुखर्जी भी कवि प्रदीप की कलम का जादू जानते थे। उन्होंने 1954 की फिल्म नास्तिक के गीत प्रदीप से लिखवाए। संगीतकार थे सी रामचंद्र। सभी गीत लोकप्रिय हुए और फिल्म हिट हो गई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस गीत ने तो लोकप्रियता की बुलंदियों को छू लिया। लता जी आमतौर पर मुजरा नहीं गाती हैं, परंतु इस फिल्म के लिए प्रदीप का लिखा मुजरा बेहद शालीन था, अतः उन्होंने खुशी से गाया। कैसे आए हैं दिन हाय अंधेर के, बैठे बलबा हमारे नजर फेर के। इसी फिल्म का एक और गीत लता मंगेशकर ने गाया, होने लगा है मुझ पे जवानी का असर, झुकी जाए नजर। इस फिल्म के गीतों का पहला LP रिकॉर्ड बना था। 1954 में ही फिल्म जागृति में उनके लिखे गीत भी उनकी कामयाबी और शोहरत की कहानी कहते हैं। पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस गीत से कवि प्रदीप ने एक संदेश दिया कि आजादी मिलना ही काफी नहीं होता, इसे सुरक्षित रखना भी देशवासियों का कर्तव्य होता है। इस गीत को आवाज दी मोहम्मद रफी ने। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस गीत के जरिए कवि प्रदीप ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। ये गीत आशा भोसले ने गाया था। आशा भोसले का गाया इसी फिल्म का एक और गीत चलो चले माँ सपनों के गांव में, इसे भी काफी पसंद किया गया। फिल्म जागृति में कवि प्रदीप ने सरल शब्दों में देश प्रेम से ओतप्रोत प्रेरणाप्रद एक और गीत लिखा और खुद गाया भी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इस तरह कवि प्रदीप ने अपने गीतों से फिल्म जगत को नई दिशा दी और देशभक्ति की पताका को फहराया। फिल्म जागृति के गीतों को हेमंत कुमार ने संगीतबद्ध किया था। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा। 1959 में बनी फिल्म पैगाम के इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा और सी रामचंद्र ने संगीत से सजाया। मन्ना डे ने आवाज दी। गाने की पंक्तियों में सामाजिक न्याय की आवाज मुखर होती है। प्रेम सद्भाव और एकजुटता का संदेश है, आपसी सहयोग और भाईचारे का आह्वान है। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा। 1963 में फिल्म अमर रहे प्यार रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए कवि प्रदीप ने आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया गीत लिखा। ये गीत इंसान को सोचने को विवश करता है, जो कमोबेश आज की स्थितियों का ही आकलन है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप का लिखा ये गीत आज भी लोकप्रिय है और शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इसका संगीत सी रामचंद्र ने तैयार किया था। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। 26 जनवरी 1963 को राजधानी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जब लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया था तो वहां मौजूद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और सभी कैबिनेट मंत्रियों के अलावा लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मौके पर मौजूद थी। लेकिन इस गीत को लिखने वाले कवि प्रदीप को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 21 मार्च 1963 को मुंबई में कवि प्रदीप से मुलाकात की और उन्हीं की आवाज में इस गीत को सुना। कवि प्रदीप ने इस गाने की रॉयल्टी युद्ध में शहीद हुए विधवाओं के कल्याण के लिए दान कर दिया था। अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से अलंकृत कवि प्रदीप को 1995 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई और फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1998 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कवि प्रदीप ने करीब 1700 गाने लिखे। एक संत पुरुष, सीधे साधे, किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहने वाले राष्ट्र कवि प्रदीप का 11 सितंबर 1998 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी रचनाएं आज भी देश प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करती हैं, देश प्रेम की भावना को हृदय में प्रवाहित करती हैं। वाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट।